बच्चों आज हम आपको पंक्चुएशन के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके बारे में? पंक्चुएशन। इसमें आप जानेंगे विराम चिन्हों के बारे में। किसके बारे में? विराम चिन्हों के बारे में। हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह, और इंग्लिश में कह सकते हो आप पंक्चुएशन मार्क। और साथ ही आप कौन सा लेटर कैपिटल बनना है, कौन सा स्मॉल बनेगा, ठीक है, कहाँ पर कॉमा लगेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ये सारी बातें हमें सीखनी है पंक्चुएशन के अंतर्गत। तो फर्स्ट तो रूल आप ये जान लीजिए कि जब भी हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं सो उसमें हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। क्या होता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव है तो, अफर्मेटिव निगेटिव कह लो या फिर एक इम्परेटिव सेंटेंसेस भी आते हैं, तो उसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्या बनाते हैं, सॉरी लगाते हैं फुल स्टॉप। सेंटेंस के लास्ट में मतलब अफर्मेटिव, निगेटिव और इम्परेटिव। इम्परेटिव में अफर्मेटिव निगेटिव की तरह भी होता है, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं लास्ट में, फुल स्टॉप। और फर्स्ट लेटर लगाते हैं कैपिटल। इतना तो आपके समझ में आ चुका होगा, है ना। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जब भी सेंटेंस के अंदर एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत कोई वर्ड आते हैं, तो जब मोर देन टू पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, कितने, मोर देन टू मतलब दो से ज्यादा, जैसे अगर इस तरह बात करें कि राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, तो उसमें राम और श्याम पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन है, वो दो है। जब दो लोग होते हैं तो उसके बीच में एंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं। लेकिन अगर पार्ट ऑफ स्पीच दो से ज्यादा हो, किसे, दो से ज्यादा जैसे राम श्याम, तब लगा देंगे कॉमा। जब ऐसे सिचुएशन होती है तो वहां पर कॉमा लगाते हैं, राम कॉमा श्याम कॉमा मोहन एंड सोहन। तो लास्ट वाले से पहले हमको एंड लगाना होता है, और जितने भी नाउन यूज हुए होते हैं सभी में कॉमा लगाना होता है। तो याद रखना है आपको, सेम पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत दो से ज्यादा नाउन होने पर स्टार्टिंग के जितने भी प्रोनाउन होते हैं सब में। आइए शुरू करते हैं पंक्चुएशन का एग्जांपल देखते हैं। फिलहाल पंक्चुएशन के अंतर्गत हम आपको बता चुके हैं कि क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। हमने यहाँ पे लिखा है द कार इज नाइस, जो गलत लिखा हुआ है। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, तो इसमें हमने कुछ मिस्टेक्स जानबूझकर पहले से कर रखी है। अगर आपको सही करना हो तो क्या करेंगे, अभी अभी मैंने क्या कहा, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैसा होता है, कैपिटल। तो ये आपका द कैपिटल हो गया, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है, नाइस। नाइस लिखने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो यहाँ पर दो मिस्टेक्स थी, तो इसमें आप लोगों ने दो पंक्चुएशन के बारे में सीखा। दो वो कौन सी है, फर्स्ट आपका क्या है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल आपको बनाना है। दूसरा आपने क्या सीखा, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव है तो, सेंटेंस के अफर्मेटिव एंड निगेटिव होने पर आपको लास्ट में फुल स्टॉप का ध्यान रखना है। तो दो चीजें आपने सीखी अफर्मेटिव सेंटेंस में, एक तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, वो चाहे लेटर का फर्स्ट जो होता है सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, वो अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव ईटीसी मतलब किसी में भी हो,
वो आपका पहला लेटर क्या बनता है, कैपिटल ही बनता है, लेकिन लास्ट में कुछ साइन चेंज होते जाते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, वाई आर यू सैड। छोटा सा मैंने एग्जांपल ले लिया, वाई आर यू सैड सर, इसको आप देखेंगे। हाँ, फर्स्ट लेटर हमने क्या कर दिया, कैपिटल, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसमें हमने फुल स्टॉप लगाया, लेकिन जो सेकंड है उसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्यों? क्योंकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें आप दो बातें ध्यान रखेंगे। फर्स्ट, जो मैं पहले बता चुका हूं, फर्स्ट लेटर कैपिटल। हाँ, तो बात करते हैं कॉमा के बारे में। किसके बारे में? कॉमा। कॉमा, कॉमा देखा होगा, कॉमा ऐसे लगता है, ऐसे सेम इसी तरह का साइन ऊपर भी लगता है, डबल इनवर्ट कॉमा भी होता है, उसको हम लोग अपोस्ट्रोफी के नाम से जानते हैं। जो ये नीचे लगता है, वर्ड के नीचे लगता है ना, वहां पर कॉमा मानते हैं। जस्ट इसको अगर उल्टा कर दे, पकड़ के ये नीचे वाला ऊपर कर दे, ऊपर वाला नीचे करके, बजाय नीचे लगाने के ऊपर लगा दे पलट करके, तो उसको अपोस्ट्रोफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी जो होता है वो तब लगाते हैं जब हिंदी में सेंस उसका का की के आता है। क्या आता है? का की के। हाँ, नहीं तो ये अभी कट हो जाएगा, इससे पहले हम सेंटेंस शुरू करते हैं। देखिए, हमने शुरू किया राम, राम श्याम, श्याम है, राम श्याम, फिर शुरू कर लेते हैं मोहन। आप लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम इसमें जानबूझकर थोड़ा सा गलत लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही तो सिखाना है आपको। मैंने लिख दिया राम श्याम मोहन आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है। पहली मिस्टेक तो ये, तो ठीक है, फर्स्ट का लेटर कैपिटल होता है वो मान लिया, ठीक है। राम श्याम मोहन, ये तीनों के तीनों नाउन है कि नहीं है बताइए? तीनों के तीनों नाउन है, मतलब सेम पार्ट ऑफ स्पीच है। जब सेम पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और दो से ज्यादा होते हैं, तो उनके बीच में कॉमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और याद रहे, किसी का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है ना, उसको हम कैपिटल लेटर से बनाते हैं। तो दो के बीच में कॉमा हो गया, लास्ट वाला जो होता है वहां पर हम एंड लगाते हैं, कॉमा नहीं लगाते। सर एंड नहीं लगाता। एंड मोहन, मोहन दो मतलब लास्ट वाले से पहले एंड लगाते हैं। आर गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि लास्ट वाले से पहले एंड, लेकिन बाकी अदर के बीच में क्या लगता है? कॉमा। और जो प्रॉपर नाउन, यहाँ पे मोहन छोटा लिखा हुआ है, यहाँ पर मोहन मैंने बड़ा लिखा है, बिकॉज ये प्रॉपर नाउन है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जब मोर देन, मोर देन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब मोर देन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मोर देन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच जब मोर देन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, टोटल इंग्लिश नहीं बोलेंगे। टोटल इंग्लिश बोलना हो तो बहुत सारे वीडियो आपके स्कूल से आते होंगे, आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे। हमारा यहाँ पर उद्देश्य है आपको समझाना, ना कि इंग्लिश बोलना। ढेर सारी हम इंग्लिश बोल जाए, वी आर गोइंग टू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट पंक्चुएशन अबाउट नाउन, सो आपको समझ में नहीं आएगा तो फायदा क्या पढ़ाने का, ये बताइए। यहाँ पे ज्यादा इंग्लिश नहीं हम बोलेंगे, ना ही बोलने की कोशिश करेंगे, मेरा मतलब है आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करेंगे। तो जहां पर मोर देन टू पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, वहां पर क्या करते हैं हम लोग, लास्ट वाले से पहले एंड का यूज करते हैं, लेकिन बाकी जितने होते हैं उनमें कॉमा लगाते चले आते हैं। लेकिन याद रखना है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच, अगर नाउन चल रहा है तो नाउन ही,
है ना, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही, ये नहीं कि उसमें हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, तो वो तो एक सेंटेंस बन जाएगा, उसमें आपको बार बार कॉमा नहीं लगाना है। जब पार्ट आप स्पीच दिए हो वहां पर आपको कॉमा का यूज करना होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, आ चुका होगा ना, इसको इरेज कर दे, चलिए इरेज कर देते हैं। बात करते हैं पंक्चुएशन, वो इंटरजेक्शन मार्क, ये आपने सुना होगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, ऐसे लगा होता है, ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो हम हमको इस तरह की जो वर्ड दिखाई देते हैं, अलास, हुर्रे, ओह, उफ, या आउच, फिर ऐसे, इस तरह के जब भी आपको वर्ड दिखाई देंगे उसमें आप एक्सक्लेमेशन का मार्क का यूज करेंगे, क्योंकि वो आते ही स्वयं अपने साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क ले आते हैं। और कुछ जो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं। कौन से ऑप्टेटिव, जिसमें किसी को गाली देना हो या किसी को बधाई देना हो, आशीर्वाद देना हो, उस तरह के सेंटेंसेस में लास्ट में लगते हैं। जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, लास्ट में लगा दिया, तो मे गॉड ब्लेस यू लास्ट में मैंने क्या लगाया, फुल स्टॉप नहीं है, दिस इज पंक्चुएशन मार्क, जिसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। जैसे फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, कॉमा होता है, उसी तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी दोनों नामों से बच्चे सभी लोग इसको समझते हैं, कोई एक्सक्लेमेटरी बोलता है, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क बोलता है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में लगते हैं, कहाँ पे लगते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में। यहाँ पे आप देख रहे हैं मे गॉड ब्लेस यू माय सन, यहाँ पे लास्ट में लगा है, लेकिन इस तरह से भी लग जाते हैं। जैसे कि अलास ऊपर मैंने दिया है, तो एक सेंटेंस हम लिखेंगे, अलास आई एम रिव, आई एम रिव, तो अलास में यहां पर लगेगा, लास्ट में नहीं लगेगा, बिकॉज दिस सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, में वर्ड के साथ लगता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। लेकिन जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ज्यादातर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में से स्टार्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ज्यादातर सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ जो में से स्टार्ट होते हैं और उसमें किसी कर्सिंग या ब्लेसिंग की बात कही जाती है, वो आपके होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उसमें लास्ट में आपको पंक्चुएशन, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको यूज करना है। लेकिन अगर वो सेंटेंस चेंज होता है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें भी लगा है लेकिन इसमें लास्ट में लगा है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, इसमें जिसमें ये वर्ड यूज होते हैं, अलास, हुर्रे, ओह, आउच, फिट, ये वर्ड जिसमें यूज होते हैं उसमें उन्हीं के साथ लग जाता है, पीछे नहीं लगाते हैं। पीछे हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं और उन्हीं वर्ड के साथ ही हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगा लेते हैं। तो ये था आपका पंक्चुएशन के बारे में छोटा सा लिटिल नॉलेज जो आप समझ सकते हैं। और भी नॉलेज के लिए हम आपको आगे भी बताते रहेंगे, आप जैसा जैसा हमसे पूछते रहेंगे, वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई ज्यादा, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है वीडियो बनाने के, ना ही हमारे पास माइक है, ना ही बड़ा सा कैमरा है, ना ही लैपटॉप है, ना ही कंप्यूटर है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक छोटे से फोन के जरिए। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम ढेर सारे सब्सक्राइबर ले लें फिर अपनी इनकम चालू करें। तो ढेर सारे सब्सक्राइबर और इनकम के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर जो कमाई के उद्देश्य से वीडियो बनाए जाते हैं उन पर आपके लिए नहीं, अपने ऊपर ध्यान देना होता है कि हाँ हमारी कमाई कैसे हो, कैसे हम अच्छा सा पैसा कमा सके। लेकिन हम यहाँ पर वैसा नहीं कर पा रहे क्योंकि मेरे पास ना ही तो इंस्ट्रूमेंट है, ना ही कैमरा, लैपटॉप, कुछ भी नहीं। तो हम तो यही चाहेंगे आप सिर्फ वीडियो को समझे, पढ़े, आपकी पढ़ाई के लिए मैंने बनाया है। तो अगर आपको समझ नहीं आता तो बेशक हमसे पूछ सकते हैं। और आप देख रहे हैं जगत क्लासेस,
आगे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।